सो वेलकम बैक टू फ्री आर। और आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगी फ्री फायर की न्यूज सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 85 के सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलिए आज की हमारी पहली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है नूब गेमर बीबीएफ के बारे में। तो नूब गेमर अपनी वीडियो में कहे कि वो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं श्वेता वाले मीम पर। यार यहाँ पर श्वेता करना खत्म हो गया है, तो चलो मीम्स भी शुरू करते हैं। श्वेता से याद है, श्वेता रिलेटेड जितने मीम्स है, जितने भी मीम्स है, सारे के सारे 12 घंटे के अंदर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में डाल दो, क्योंकि मेन चैनल पे कल वीडियो आने वाली है। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है फैम क्लेसर के बारे में। तो फैम क्लेसर अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए, जहाँ पर वो बात किए हेल्पिंग गेमर, एएस गेमिंग और टोटल गेमिंग के बारे में। यहाँ पर वो बात किए कि आजकल लोग फेक स्ट्राइक देते हैं बड़े गेमर्स के नाम पर, और ऐसा ही हमें देखने को मिला एएस गेमिंग और हेल्पिंग गेमर के साथ। हेल्पिंग गेमर को स्ट्राइक का नोटिस आया, जहाँ पर टोटल गेमिंग का नाम लिखा हुआ था, लेकिन टोटल गेमिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो स्ट्राइक फेक थी। और जब उसका काउंटर किया जाता तो कई बार फेक स्ट्राइक हटती नहीं है काउंटर से भी, मतलब अगर आप उसके खिलाफ काउंटर करोगे तो कभी कभी स्ट्राइक नहीं हटती। और अगर आपकी कोई स्ट्राइक नहीं हटती तो आपको सामने वाले बंदे से बात करनी पड़ती है, मतलब जिसने आपको स्ट्राइक दिया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके चैनल पर फेक स्ट्राइक पड़ती है और आप सामने वाले से बात करने जाते हो, तो सामने वाला बंदा आपसे पैसे मांगता है स्ट्राइक हटाने के लिए। तो ऐसे केस भी काफी बार देखे गए हैं, इसके बारे में फैम क्लेसर अपनी वीडियो में बताए। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है टू साइड गेमर के बारे में। तो टू साइड गेमर अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड किए, जहां पर अपना गेमिंग सेटअप का एक टीज स्टोरी अपलोड किए, मतलब जहां पर उन्होंने थोड़ा सा सेटअप दिखाया अपना गेमिंग वाला। तो जब से मैं न्यूज़ देना स्टार्ट किया हूं, तब से मैंने टू साइड गेमर का गेमिंग सेटअप नहीं देखा था, लेकिन इस स्टोरी में थोड़ा सा उन्होंने शेयर किया, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। शायद आपने अभी तक ना देखा हो, या फिर किसी ने देख भी लिया होगा। अभी जो वीडियो क्लिप स्क्रीन पे आपको दिख रही है, यही उनका सेटअप है जहां से वो लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है टोटल गेमिंग के बारे में। तो जब टोटल गेमिंग अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, यहाँ पर वो काफी चीजों के बारे में बात किए। यहाँ पर वो बात की अपनी नई वीडियो के बारे में, कि वो एक वीडियो लाने वाले हैं एग्जाम में चीटिंग के ऊपर। इस वीडियो में वो बताएंगे कि उन्होंने एग्जाम में चीटिंग कैसे किया था, एक स्टोरी लाइन वीडियो होगा। बोर्ड में कॉपी लेके जाओगे तुम भाई? चीटिंग भाई जाते हैं, मेरा दोस्त बुक लेके चला गया था, छोटी सी माइक्रो जेरोक्स करके। भाई दोस्त क्या बात करते हो, बताओ अपना। यार मैं ये ना एक वीडियो बनाऊंगा, चलो यार, मतलब बोर्ड के अंदर तो मैंने चीटिंग नहीं किया है, बट एक स्टोरी है गाइस। क्या बोलते हो, स्टोरी लाइन लाई जाए? स्टोरी लाइन वीडियो आएगा, मैं तुम्हें एक वीडियो मतलब बना के बताऊंगा। ओके, एक कहानी चीटिंग की, कहानी चीटिंग की, क्या बोलते हो? आपने करी थी चीटिंग, मतलब वो सब वो वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा भाई। इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। इसके बाद यहाँ पर टोटल गेमिंग बात की श्वेता वाले मीम के बारे में। तो आपको पता होगा श्वेता वाला मीम अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है हर जगह, तो इसी के बारे में बात करते हुए टोटल गेमिंग कुछ ये कहे। मेरी कार है भाई। भाई 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 श्वेता, तुम्हारा माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। वो देखा कि नहीं अन्ना भाई? ओ भाई, वो तो बहुत ओपी चल रहा है, वो तो अभी कल परसों ही आया था। अरे वो पंडित, पंडित का क्या हुआ फिर भाई? भाई एक राज बन चुका है पंडित भाई, तो यार ये बाहुबली से बड़ा राज बन चुका है यार। वही तो, उस पंडित बॉय का कौन है वो पंडित बॉय, और आगे क्या हुआ होगा? वही तो। श्वेता योर माइक इज वन, श्वेता कैसे चीज को कौन कौन जानता है? तो कर सकता था, श्वेता को निकाल सकता, टीचर का भी फुल इंटरेस्ट था। वही तो, मेरे को लगता है जान बुझ के किसी ने बनाया होगा चीज को। गफला कर दिया श्वेता ने तो। भाई 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 श्वेता तुम्हारा माइक कौन है? और उसको बिचारी को कितने सारे लोग बोलते हैं जो भाई, समझ में ही नहीं आता उसको। लाइक उसके बाद, अरे वो कॉल पे थी ना, उसने उसको पता ही नहीं था वो लोग जो बोल रहे थे, और लाइक उसका रिकॉर्डिंग भी किया। मुझे तो भाई ये क्या मैं बोले यार, मतलब लिटरली मजाक चल रहा है क्या? आज दिन में छुपा हुआ सांप जो भाई। और इसके बाद यहाँ पर टोटल गेमिंग को एक सुपर चैट आता है, जहाँ पर एक बंदा उनको बोलता है कि भाई रिप्लाई कर दो, आजकल आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हमारा। इसी पर टोटल गेमिंग थोड़ा सा मजाक करते हुए उसका रिप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से। अज्जू भाई आप कमेंट क्यों नहीं रीड करते हो? बिकॉज आई हैव एटीट्यूड, मेरे में बहुत एटीट्यूड आ गया आज से गाइस, कल से कमेंट सेक्शन बंद।
सुपर चैट भी बंद, सब कुछ बंद। अब अपन एटीट्यूड में आ जाएंगे गाइस, क्योंकि 20 मिलियन होने वाले, तो थोड़ा एटीट्यूड करना पड़ता है यार, समझा करो। कल से कमेंट सेक्शन, सुपर चैट बंद, लाइव स्ट्रीमिंग पे, तो यार फिर पैसा कैसे मिलेगा? नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग होगी और सुपर चैट भी ऑन रहेगा, सिर्फ कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे। ओके, और कोई चीज? तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है ज्ञान गेमिंग के बारे में। जब ज्ञान गेमिंग अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, यहाँ पर अननोन नंबर से उनको कॉल आता है, जहाँ पर सामने से उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। इसी पर ज्ञान गेमिंग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं इस चीज पर। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फोन को सामने में रखता हूँ, पूरा ऐसे ही तैसे हो जाएगा यार। फोन को सामने में रखता हूँ। कौन फोन कर रहा है भाई यार, फिर से यार। हेलो हेलो हेलो, क्या पता गाइस, तो बस यार आज के लिए बस मेरे पास इतनी ही अपडेट थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।